हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा का प्री एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद कैंडिडेट को ना ही क्वेश्चन पेपर और ना ही ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी साथ में लेकर आने दिया जाता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी साथ में लेकर चले गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर क्वेश्चन भी वायरल हो रहा है। दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप सभी ओएमआर सीट की देख सकते हैं कि ओएमआर सीट के बारे में आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है कि 5 अभ्यर्थी ले गए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, केस दर्ज। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि आगे दिया गया है कि दरोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गई। मुजफ्फरपुर में 4 और 11 में एक अभ्यर्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर चला गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर के डीएन हाई स्कूल से सलमान अली दीवान रोड स्थित राम मनोहर लोहिया कॉलेज से नितेश कुमार, बरा स्थित निजी स्कूल केंद्र और हरिसभा स्थित मुखर्जी सेमिनरी हाई स्कूल सेंटर से एक एक परीक्षार्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी ले गए। केंद्र अधीक्षकों ने संबंधित थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं गया में पहली पाली में राहुल कुमार नामक एक छात्र परीक्षा देने के बाद कार्बन कॉपी लेकर चला गया, उस पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि अटेंडेंस के बारे में दिया गया है कि अटेंडेंस कितना रहा है। परीक्षा में 85% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा के लिए राज्य भर में बनाए गए 613 परीक्षा केंद्रों पर 660,000 अभ्यर्थियों के लिए इंतजाम किए गए थे। परीक्षा में 85% अभ्यर्थी की उपस्थिति रही, यानी 560,000 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि कट ऑफ के बारे में कहा गया है कि एससी का कट ऑफ 55-60 जाने की संभावना जताई जा रही है। सामान्य पिछड़ा वर्ग में पुरुष वर्ग का कट ऑफ 70-72 तक जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर और वायरल आंसर के बारे में आप सभी देख सकते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है कि दोनों शिफ्टों के प्रश्न और आंसर आए बाहर। मधुबनी में पति पत्नी गिरफ्तार, दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, परीक्षार्थी बोले यही प्रश्न पूछे गए थे। मैं आगे कहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा रविवार को ली गई पुलिस अवर निरीक्षक पद की परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर रविवार को वायरल हो गया। दोनों शिफ्टों के वायरल प्रश्न पत्र आंसर की परीक्षार्थियों ने सही बताया है। हालांकि प्रभात खबर इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। परीक्षार्थियों ने कहा कि व्हाट्सएप पर वायरल प्रश्न ही परीक्षा में पूछे गए थे, जबकि परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। प्रश्न पत्र और आंसर वायरल होने पर परीक्षार्थियों में आक्रोश है। मालूम हो कि दरोगा के 1275 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक ली गई। अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से 1.5 घंटे पहले अपने अपने सेंटर पर रिपोर्ट करनी थी। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि कहा गया है कि मधुबनी में पति व्हाट्सएप से पत्नी को बता रहा था प्रश्न पत्र का उत्तर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक पद की परीक्षा में रविवार को RN कॉलेज पंडोल सेंटर से प्रश्न पत्र लीक करने की बात सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेनापट्टी की रहने वाली रितु कुमारी का सेंटर RN कॉलेज में था। परीक्षा केंद्र पर उसके साथ उसका पति संजीव कुमार भी आया था। द्वितीय पाली में जेमर निकी खराबी आ गई थी। किसी प्रकार रितु ने मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र को अपने पति संजीव को भेज दिया। फिर संजीव बाहर से प्रश्न को सॉल्व करनी पत्नी को बता रहा था। सेंटर पर जांच के दौरान अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया। इस बात की जानकारी तत्काल केंद्र अधीक्षक ने बड़ी अधिकारी को दी। बताया जा रहा है कि सदर SDO अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे और व्यापक रूप से पूछताछ की, जिसके बाद पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सदर SDO अश्विनी कुमार ने कुछ भी बताने से परहेज किया। कहा कि सारी जानकारी सोमवार को दी जाएगी, अभी जांच की जा रही है। क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट को एग्जाम समाप्त होने के बाद साथ में लेकर आने नहीं दिया जाता है। लेकिन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो बिहार में BPSSC आयोग, CSBC आयोग और बिहार SSC आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं, उस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट को साथ में लेकर आने नहीं दिया जाता है। लेकिन इन सभी एग्जाम
में देखा गया कि इन सभी आयोग के द्वारा जब एग्जाम लिए जाते हैं तो एग्जाम समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं। देखिए, इसकी जांच होने के बाद ही पता चल सकता है कि ये कितना सही और कितना गलत है। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं वे कितना सही है या कितना गलत है। आप सभी इसके रिलेटेड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बिहार दरोगा एग्जाम के रिलेटेड जैसे कौन लेटेस्ट अपडेट आएगी आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।